हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जापान के स्पेस एजेंसी ने जो स्लिम लूनर मिशन जो प्रोजेक्ट किया था, वो एक्चुअली जो लूनर ऑर्बिट तक पहुंच चुकी है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये स्लिम लूनर मिशन जो जापान ने लॉन्च किया था, ये उनकी सेकेंड मिशन है। जो मून मिशन अगर बात करेंगे तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसके एम्स क्या क्या है, क्या खोज करने वाली है मून में जाके। और देखिए, ये जो लूनर मिशन, ये अगर सक्सेसफुल हो गई तो इसका इम्पैक्ट चंद्रयान 4 में कैसे हो सकता है, इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कुछ देखिए, अलग अलग जो मून मिशन जो है, अलग अलग देशों के बारे में भी, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपके GS3 पेपर के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जासा भी बोला जाता है, तो एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन जो है ये अचीव करने वाली है कि देखिए, ऑलरेडी उनकी जो स्लिम मिशन यानी कि स्मार्ट लैंडर इन्वेस्टिगेटिंग मून, ये जो है मून की जो लूनर ऑर्बिट, यानी कि देखिए हमारे अर्थ की जैसी मून की भी अपनी ऑर्बिट, अपनी ग्रेविटेशनल एक फोर्स होती है, उसके अंदर तक ये जो है एंटर कर चुका है। और पॉसिबली 2024 के जनवरी फर्स्ट या सेकेंड वीक, यानी जनवरी बोला गया है कि 15 जनवरी तक जो है ये शायद मून तक सॉफ्ट लैंडिंग भी कर लेगी। तो अगर ये मून में सॉफ्ट लैंडिंग कर देगी कुछ चुनिंदा देशों के साथ जो है, इंक्लूडिंग इंडिया, ये एक एलाइड ग्रुप में जापान भी शामिल हो जाएगी। तो ये जो है जापान का सेकेंड अटेम्प्ट है फॉर द सॉफ्ट लैंडिंग, बिकॉज देखिए अप्रैल 2023 में ही उन्होंने हाकुटू आर मिशन जो है लॉन्च किया था, लेकिन ये लगभग फेलियर ही हो गया था, क्रैश लैंडिंग हो गया था यहाँ पे। तो ये जो है सेकेंड अटेम्प्ट है उनका, और मोस्ट प्रोबली ये कामयाबी हो जाएंगे। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इस मिशन का मेन गोल्स क्या है, कि प्रिसाइशन लैंडिंग, यहाँ पे जो एक्चुअली जो टारगेट साइट है, थोड़ी सी यहाँ पे डेविएशन भी होगी, लेकिन जिस टेक्निक के थ्रू यहाँ पे लैंड करने की कोशिश की गई है, तो आने वाले जो मून मिशंस के लिए एक नई स्टैंडर्ड भी सेट करेगी। नेक्स्ट अगर बात करेंगे ये जापान का जो ये स्लिम मिशन है, यहाँ पे देखिए एक तो है लैंडर, लैंडर में जब जाएगी लैंडर लैंड करेगी, और दूसरा होता है रोवर, यानी कि ये एक पहिया जैसा एक रोवर होता है जो मूव करती है। तो दो रोवर उन लोग जो है डिप्लॉय करेंगे, LEV-1 और LEV-2। तो ये देखिए हमारे भारत ने भी जो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जो लैंड किया था, उसी तरह यहाँ पे भी LEV-1 और LEV-2 लैंड करेगी जापान, जापान दो करेगी। तो यहाँ पे लूनर सरफेस को स्टडी करने के अलावा यहाँ पे लूनर टेम्परेचर को स्टडी किया जाएगा, रेडिएशन को भी स्टडी किया जाएगा, और मून की मेंटल को भी स्टडी करने की बात हो रही है। यानी कि देखिए हमारे अर्थ की जैसे मून में भी क्रस्ट होता है, देन मेंटल देन कोर, तो मेंटल तक की भी यहाँ पे स्टडी की जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे चंद्रयान 4 में इसका इम्पैक्ट कैसा हो सकता है। तो ऑलरेडी देखिए चंद्रयान 4 के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, जो ऑलरेडी कुछ दिन पहले डिक्लेरेशन हुई थी कि भारत इसके ऊपर काम करने वाला है। तो चंद्रयान 4 क्या है, थोड़ी सी एडवांस होगी, यहाँ पे चांद में जाएगी और जाके यहाँ पे उससे कुछ सैंपल्स जो है अर्थ तक लेके आया जाएगा, प्रोसेस वही होगा, यहाँ पे थोड़ी सी एडवांस होगा यहाँ पे। तो चंद्रयान 4 के साथ जो लुपेक्स मिशन, भारत और जापान जो मिलके करने वाला है लुपेक्स मिशन, जो मेनली देखिए जो मून की साउथ पोल में जाएगी, लेकिन साउथ पोल में जाने के लिए काफी चैलेंजेस भी होती है यहाँ पे। तो देखिए अगर स्लिम मिशन सक्सेसफुल हो गया तो ये आने वाले लैंडिंग मिशंस के लिए बहुत ही ज्यादा एक एनकरेजिंग बात होगी, और दोनों ही देश मिलके यहाँ पे काम कर पाएगी। नेक्स्ट अगर बात करेंगे जो भी टेक्नोलॉजी, एक्चुअली जापान बहुत अलग टेक्नोलॉजी भी यूज करता है यहाँ पे, तो कोई भी अगर देखिए अलग टेक्नोलॉजी से यहाँ पे डिफरेंट टेक्नोलॉजी से अगर कामयाबी हो जाता है, तो वो बाकी देशों के लिए भी एक बहुत ही प्रोत्साहन का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग एल्गोरिथम होते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से चेंजेस होनी है, यहाँ पे वो एल्गोरिथम के बेसिस पे वो चेंजेस की जाती है, वो बहुत ही टेक्निकल
टेक्निकल बातें हैं यहाँ पे, तो ये चंद्रयान 4 के लिए भी एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट होगा। चंद्रयान 4, देखिए चांद में जाना, सॉफ्ट लैंडिंग करना एक अलग बात है, लेकिन वहाँ से सैंपल लेके आना ये एक दूसरी बात है। तो ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है जो चंद्रयान 4 के लिए भी स्लिम मिशन इम्पैक्ट करेगी। तो थोड़ा सा अगर अलग अलग देशों के भी लूनर मिशन के बारे में बात करते हैं, तो भारत में जैसे कि आप लोग जानते हैं चंद्रयान 1, 2 एंड 3, तो चंद्रयान 3 अगस्त के महीने में जब ये कामयाब हुआ था सॉफ्ट लैंडिंग, तो इंडिया जो है प्रमुख देशों में शामिल हो गया था जिन्होंने देखिए कि चांद में सॉफ्ट लैंडिंग किया हुआ है। यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के अगर बात करेंगे, यूएई ने भी मून मिशन जो है उसके ऊपर काम किया है, नासा की आर्टिमिस मिशन। तो 2024 तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखिए कि एक वुमेन जो है चांद में लैंड करने की बात हो रही है यहाँ पे 2024 तक। देन लूनर इवैक्यूएशन सिस्टम असेंबली, ये भी यूएसए का ही है। चैंग 5 मिशन चाइना का, ये भी लूनर मिशन है। तो देखिए बहुत सारे जो कंट्रीज अभी स्पेस में काफी ज्यादा अगर काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है ये हम लोग को समझना होगा। और अगर भारत किसी दूसरे देशों के साथ काम कर रही है, इसकी टेक्निक कैसी है, उसको भी थोड़ा स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए बहुत ही पॉसिबिलिटी है कि प्रीलिम्स या फिर मेंस में आपको सीधे सवाल यहाँ पे बन सकते हैं, तो ऐसे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग जापान का स्लिम लूनर मिशन और इसके इम्पैक्ट ऑन चंद्रयान 4। तो आशा करते हैं वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए, स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।